नहीं है माइक। सर देखिए, आज जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो अमरनाथ की यात्रा से है कि हमें हिंदू शिवसेना वालों को 13 साल हो गए हैं लंगर की व्यवस्था करते हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज से 2 साल पहले यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नया ड्रामा दिया कि 20,000 रुपया सिक्योरिटी दो और लंगर की परमिशन ले लो, जब हमने पूछा कि ये क्या है तो कहने लगे ये रिफंडेबल है। हमने इनको 20,000 रुपया दे दिया तो इन्होंने 20,000 रुपया लेने के बाद उस पर लिखा था कि रिफंडेबल, लेकिन जब लंगर खत्म होता है, समाप्त होता है, इनके पास जाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं मिला। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं, क्या हम वहां पे कोई रेस्टोरेंट खोल के रखा हुआ है? ये लोक सेवा है, फ्री है, लोगों से पैसा लाते हैं, लोगों से सामान लाते हैं। दूसरी बार इस बार इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जितने भी लंगर लगाएंगे परमिशन तब दी जाएगी अगर वो सीसी कैमरा, जनरेटर, ये चीजें वहां पे लगाएंगे। अरे भाई, सीसी कैमरा और जनरेटर लगाना होगा 1-1.5 लाख रुपया हमें चाहिए, वो कहां से लाए हम लोग? दूसरा, बेस कैंप के अंदर मुझे नहीं लगता कि सीसी कैमरे की और जनरेटर की जरूरत है, ये व्यवस्था जो है गवर्नमेंट को करनी चाहिए। दूसरा, वहां अंदर में ऑलरेडी सिक्योरिटी के इतने सीसी कैमरे लगे हैं कि हमारी जरूरत नहीं है। ये अनसचली हमें हरास कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जम्मू वाले यहाँ पे लंगर ना लगाएं। तो मैं आपके माध्यम से यही गवर्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने प्रपोजल रखा है, मेहरबानी करके इसको कैंसिल करें और हमें अपना